नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जून, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी नेता ने महागठबंधन पर साधा निशाना। नीतीश के करीबी रह चुके नेता ने विपक्षियों का नेतृत्व नीतीश के हाथों में सौंपने के फैसले को बताया गलत। सीएम नीतीश और पीएम मोदी को लेकर मांझी ने कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नितिन गडकरी ने कही ये बात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए नफरत पैदा करने के आरोप। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बीजेपी नेता ने महागठबंधन पर साधा निशाना। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बीते दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव जहानाबाद पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ ही विरोधी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ एक राज्य के चुनाव से अगर किसी का सपना आ रहा है कि वह मोदी नेतृत्व का परिवर्तन करा देंगे तो उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी को फिर सत्ता में लाएगी। देश की भलाई के लिए और देश के विकास के लिए 2024 में भी मोदी सरकार ही बनेगी। पूरे देश में मोदी का जलवा है और आगे भी रहेगा। वही महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जयप्रकाश आंदोलन से निकले नीतीश और लालू आपातकाल का विरोध करने वाले लोग अब पुनः आपातकाल लाने वाले के साथ गोलबंदी कर रहे हैं। महागठबंधन के लोगों को दिन में ही सपना दिखने लगा है। प्रशांत किशोर ने मोदी समर्थकों को दी चुनौती। अपने राजनीतिक दिशा की खोज में पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर अभी स्वास्थ्य कारणों से आराम कर रहे हैं। भले ही प्रशांत किशोर की पदयात्रा अभी स्थगित हो, लेकिन उनके बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर कहा कि 12 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का कार्यक्रम तय होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर हो रही मीटिंग के बाद किस स्थिति को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। मैंने ही मोदी का प्रचार किया था और आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं। उनको वोट देते हैं और हमसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से ही देश का कल्याण होगा। वहीं मोदी सरकार के सभी समर्थकों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी मोदी के समर्थक हैं उन सबको खुली चुनौती देता हूं कि पिछले 9 सालों में मोदी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की है तो उस बैठक की खबर दिखा दीजिए। हम आज से ही मोदी का झंडा लेकर चल देंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए नफरत पैदा करने के आरोप। इन दिनों अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कुछ हद तक नफरत पैदा करने, समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और वे समावेशी नहीं है। वे सभी को बांटते हैं और समाज को विभाजित करते हैं और यह भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में खुलेपन की बातचीत की परंपरा रही है। उन्होंने महान नेताओं, आध्यात्मिक और राजनीतिक हस्तियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने शांति, सद्भाव और बातचीत को बढ़ावा दिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। 12 जून को विपक्षी दलों के होने वाले बैठक को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा को देश की जनता 2024 में सत्ता से बेदखल कर देगी। वहीं पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी कहीं जाने आने की हक है, लेकिन जब से हम लोग साथ हैं तब से भाजपा का डर समा गया है कि 2024 में क्या होगा। भाजपा के दिल से डर निकल ही नहीं रहा। बता दें कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बीजेपी नेत मोदी सरकार के पूरे 9 साल पूरे होने पर बिहार में जून के महीने में भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। आनंद मोहन ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जेल से रिहाई के बाद आनंद मोहन एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। कई कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान में भाजपा पर हमलावर होते भी दिखे। एक बार फिर से बीते ही दिनों एक कार्यक्रम में सुपौल पहुंचे आनंद मोहन बीजेपी को अपने निशाने पर लेते दिखे। उन्होंने खुद को दलित विरोधी बताए जाने वाले बयान पर कहा कि आज बीजेपी की बी टीम हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में है तो वहीं सी टीम ईडी, सीबीआई और आयोग है। आगे उन्होंने कहा कि लोग उन्हें अपने संपर्क अभियान को धीमा करने की नसीहत देते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव सबका परिणाम बताएगा। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि आज देश में केवल मुसलमान और पड़ोसी देश पाकिस्तान ही बस मुद्दा है। नीतीश के करीबी रह चुके नेता ने विपक्षियों का नेतृत्व नीतीश के हाथों में सौंपने के फैसले को बताया गलत। बिहार में 12 जून को विपक्षी एकता के होने वाली महाबैठक में इस बात की चर्चा सुनने को मिली है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंपी जा सकती है, लेकिन इस चर्चा के बीच अब नीतीश कुमार के करीबी रह चुके पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा करना सबसे गलत फैसला होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है, ठीक उसी तरह महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए, ये ना कि नीतीश कुमार को। सभी विपक्षी दलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 4 बार से जीत रही हैं, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, स्टालिन और केसीआर भी आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि यह जानते हैं कि वह विपक्षी की पहल कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस में है।
एक सप्ताह में विजय चौधरी और मांझी के दोबारा मुलाकात को लेकर लग रहे ये सियासी मायने। जीतनराम मांझी के आवास पर अभी हाल में सीएम नीतीश के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी अचानक मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अब वहीं आज जीतनराम मांझी विजय चौधरी से मुलाकात के लिए अचानक विजय चौधरी के आवास पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक बातचीत चली। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही जीतनराम मांझी जब से बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली से लौटे हैं, तब से सियासी गलियारों में उन्हें बीजेपी का नजदीकी बताया जा रहा। वहीं मांझी वहां से आने के बाद महागठबंधन में रहते हुए लोकसभा चुनाव पर सीट बंटवारे को लेकर कई तरह की बयानबाजी करते भी नजर आए हैं। इसके बाद ही जदयू नेता विजय चौधरी उनसे मुलाकात के लिए मांझी के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन ठीक कुछ दिनों बाद ही आज दोनों नेताओं के फिर से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल मांझी के सीट बंटवारे वाले बयानबाजी और अमित शाह से मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में मांझी खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सीएम नीतीश और पीएम मोदी को लेकर मांझी ने कही ये बात। मांझी के बयानबाजी को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन में कुछ उठापटक का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मीडिया कर्मियों से मुलाकात के दौरान जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि मांझी दो नावों पर सवार होने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल जब मीडिया ने मांझी से महागठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहीं नीतीश कुमार से नाराजगी को लेकर जब मांझी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र ही कमियों को बताता है, नीतीश कुमार हमारे सच्चे मित्र हैं और उनके हम कृतज्ञ हैं। वहीं पीएम मोदी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी भी हमें हमेशा प्रतिष्ठा देते रहे हैं, इस बात को मैं आज भी स्वीकार करता हूं। 12 जून को विपक्षी दलों के होने वाली बैठक से पहले नीतीश ने महागठबंधन की बुलाई बैठक। भाजपा विरोधी दलों की बैठक 12 जून को होने वाली है। विपक्षी दलों के इस बैठक से पहले नीतीश कुमार ने अपने आवास पर महागठबंधन में शामिल सभी दलों और वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। बता दें कि इस महागठबंधन के मीटिंग में 12 जून को होने वाले विपक्षी दलों के बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई। महागठबंधन दलों के बैठक में शामिल बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने कहा कि यह बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। यह बिहार के लिए सौभाग्य है कि इसमें पूरे देश के प्रमुख नेता शामिल होंगे। आज की यह मीटिंग इस आयोजन की सफलता को लेकर की गई है। इस बैठक को लेकर हर तरह की तैयारी पूरी है, अब बस तारीख का इंतजार किया जा रहा है। इस बार देश को भाजपा फ्री बनाना है और हम लोग इसमें पूरी तरह से सफल होंगे। केजरीवाल के समर्थन में उतरे एमके स्टालिन, लेकिन कांग्रेस ने साधी चुप्पी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरुद्ध दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों से मिलकर समर्थन ले रहे। बीते ही दिन उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्टालिन ने उन्हें अपना दोस्त बताते हुए केजरीवाल को समर्थन दिया और अन्य विपक्षी दलों को भी सपोर्ट में आने की अपील की। इससे पहले वे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सीताराम येचुरी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस से जब उन्होंने मुलाकात करने का समय मांगा था, लेकिन अभी तक कांग्रेस यह साफ नहीं कर रही कि वह केजरीवाल का करेगी। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान भी देखने को नहीं मिला है। मोहन भागवत ने इस्लाम को लेकर कही ये बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम और इस्लाम की उपासना भारत में सुरक्षित है। भारत में एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, धीरे धीरे वहां के लोग जागे। उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित रह चलती है? यही सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए यह जीवन चल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नितिन गडकरी ने कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। आगे उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश के विकास के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है। गरीबी उन्मूलन और भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस से भाजपा की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 303 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। पहलवानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया सामने। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की शिकायत की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि यौन शोषण को लेकर महिला पहलवान की यह मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। कई पहलवानों ने बीजेपी के इस नेता के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और इसी मामले को लेकर न्याय की आस में साक्षी मल्लिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की घोषणा भी की थी, लेकिन किसान नेताओं ने हस्तक्षेप कर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया था।
जून का महीना सियासी गलियारों में इस वजह से होगा खास। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आए पूरे 9 साल हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में बीजेपी पूरे जोरों शोरों से 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता बिहार आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कौन से नेता बिहार के किस स्थान पर आकर रैली निकाल अपना कार्यक्रम करेंगे यह अभी तय नहीं किया गया है। वहीं इसी महीने में जहां बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम और रैली जोरों शोरों से चलेंगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को लेकर महाबैठक भी होगी। ऐसे में जून का महीना सियासी नजरिए से काफी अहम वाला है। वहीं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने पीएम मोदी और अमित शाह के आने की पुष्टि करते हुए कहा कि कार्यक्रम प्रस्तावित हो चुके हैं, बस डेट आना बाकी है। अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नीतीश के आमंत्रण को किया स्वीकार। 12 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह 12 जून को बिहार के पटना में होने वाली विपक्षी बैठक में भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा भी इस बैठक को लेकर यह बयान सामने आया था कि नीतीश कुमार की बैठक में उनकी पार्टी हिस्सा लेगी, लेकिन कांग्रेस या जयराम रमेश की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि कांग्रेस की तरफ से इस पार्टी में कौन सा नेता हिस्सा लेंगे। इससे पहले इस बैठक में शामिल होने को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही संजय राउत की तरफ से भी यह बयान देखने को मिले थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने सभी देशभक्त पार्टियों को निमंत्रण दिया है, उसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी है। मुझे लगता है कि हम पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है श्रीराम, रवि मोहन वर्मा, मंजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत, गोलू यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, 12 जून को विपक्षी दलों की एकता को लेकर महाबैठक होने वाली है, इससे विपक्षी दलों को कितना फायदा मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।